नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर शास्त्री और आपके जो राजस्थान ज्योग्राफी हम ले ही रहे हैं, ACF का एग्जाम है राजस्थान में। ACF की जो एग्जाम में है, जो सिलेबस है वो ज्योग्राफी का, उसमें राजस्थान और भारत का सिलेबस है। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान के सिलेबस की, तो राजस्थान में जो है राजस्थान का परिचय है, भारत का परिचय है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, तो भारत के भौतिक प्रदेश है लिखा हुआ आपके सिलेबस में, भारत के पर्वत पठार मैदान। ठीक है, अगर हम बात करें आगे राजस्थान की, तो राजस्थान में मिट्टी जल वन इनके संरक्षण की बात हो रही है, भारत में भी यह है कॉमन टॉपिक। राजस्थान में ऊर्जा है, राजस्थान में खनिज है, राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रदेशों की बात की गई है। ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या की बात की गई है। तो ये सिलेबस है और इसी सिलेबस को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं दिवाकर शास्त्री हूं और अनअकैडमी के YouTube चैनल पे सुबह मेरी 10 बजे करंट की क्लास आती है, उससे पहले मेरी आती है, शाम को आती है मेरी राजस्थान ज्योग्राफी की। और अब मैं जो नई चीज स्टार्ट कर रहा हूं कल से आपके ACF एग्जाम को लेकर, और उसमें यह है कि ACF एग्जाम में राजस्थान का जो है क्या बोलते हैं आर्थिक समीक्षा है, करंट है, उससे क्वेश्चन आने की 100% है। और राजस्थान का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उस पर तो 100% आएगा, जिससे आज से मेरी जो 10 बजे से क्लास होगी, वो जो क्लास होगी मंडे से मेरी जो 10 बजे से क्लास है, वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को लेकर। आप चाहे कुछ भी भूल जाइए, लेकिन 10 बजे वाली क्लास आपको मेरी करंट वाली जो बाद में 8 बजे आएगी मंडे से, वो आपको 100% ही लेनी है, क्योंकि इसमें से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। जो पढ़ा दिया, हर एक लाइन क्वेश्चन है, हर एक लाइन क्वेश्चन रहेगी, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बता देता हूं मैं, अनअकैडमी जो है, अनअकैडमी में आप जुड़ जाइए। अनअकैडमी एक ऑनलाइन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया का। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलती है, आपको यहाँ पे मिलता है डाउट क्लियरिंग क्लास, आपको यहाँ पे फुल सिलेबस कवरेज किया जाता है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी में क्या है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसकी जो फीस है बहुत कम है। अगर आप साल भर के जुड़ते हो तो साल भर की जो फीस है 583 रुपये, लेकिन आप तो चलो इसके लिए आ रहे हो ACF के लिए, तो 2-1 महीने की बहुत कम फीस रखी जाएगी, फीस स्ट्रक्चर भी तय हो जाएगा। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए और आप मेरे रेफरल कोड से आ जाइए, आपको लगता है कि मैं बेटर हूँ, और आप मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए दिवाकर10 का। उस दिवाकर10 से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फीस में छूट मिलेगी, 10% की छूट मिल जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी के प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर आपको PDF डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। उस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद प्लस के निशान पर प्लस करना है, उसके बाद जो स्टेट PSC पूछे उसमें राजस्थान RPSC करना है, और आखिर में आपको सब्सक्रिप्शन कर देना है। ये सब करने के बाद आपका ये स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें अब भारत की ज्योग्राफी की, देखिए जो भारत का ज्योग्राफी है, मैं आपको सिलेबस की बार चर्चा कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या क्या आपका सिलेबस है। ज्यादा वो खास सिलेबस है नहीं आपका, अब तनाव मतलब भारत में पहला पार्ट है भारत का परिचय, वहां दिखाया नहीं गया, लेकिन आपका ये पाठ्यक्रम है। ठीक है, इसमें है भारत का परिचय, पहला जो पार्ट रहेगा भारत का परिचय। दूसरा टॉपिक आपका है भारत के फिजिकल डिवीजन, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश। तीसरा जो आपका है वो है भारत में जो वन है, वन प्लस वन्य जीव और उनके संरक्षण की बात, जितने भी परियोजनाएं हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा मृदा जल मिनरल्स, इनके भी संरक्षण की बातें हो रही हैं। ठीक है, क्लाइमेट पे आ जाएगी, जलवायु आपको इसमें भारत की है। ठीक है,
इस टाइप के बहुत आसान आसान टॉपिक हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भारत के भूगोल से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप राजस्थान पढ़ें चाहे आप भारत पढ़ें, आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब देखिए, आपका जो पहला टॉपिक है भारत का भूगोल का परिचय, उस परिचय को हम 8 आधारों पर पढ़ते हैं। कितने आधारों पढ़ते हैं? परिचय को हम 8 ऐसे डायमेंशंस हैं, ऐसे 8 प्रकार हैं, 8 आधार हैं, उनके आधार पर हम पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं। देखो वो आधार क्या क्या हैं, आप देखिए। पहला होता है राजस्थान का परिचय उसकी स्थिति के आधार पर, दूसरा है राजस्थान का परिचय उसकी आकृति के आधार पर, तीसरा है नाम के आधार पर, चौथा है अक्षांशों, पांचवा देशांतरों, छठवा है क्षेत्रफल, सातवां है सीमाएं, आठवां है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आधार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो जो पहला है उसको देखते हैं, राजस्थान का परिचय, सॉरी भारत का परिचय उसकी स्थिति के आधार पर, स्थिति लोकेशन की बात हो रही है जी। इसमें अक्षांशों और देशांतरों दोनों का ही योगदान है, ध्यान रखना। स्थिति का पता हमें अक्षांशों से चलता है और स्थिति का पता हमें देशांतरों से भी चलता है। देखो भाई, ये है पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी है, और पृथ्वी पर ये जो रेखा दिख रही है आपको यूं जा रही है बिल्कुल बीचों बीच, ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है? अक्षांश। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसको समझ लें आप तो आसान रहेगा, फिर राजस्थान में समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बता देंगे शॉर्ट में। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, इक्वेटर जो आप कहते हो, इक्वेटर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस रेखा के जो ऊपर वाला पार्ट है ये है उत्तरी गोलार्ध। क्या है? उत्तरी गोलार्ध। उस रेखा के जो दक्षिण में है वो हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपको एक बात समझ में आई कि जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आप अगर देख रहे हो, अगर पूर्व से पश्चिम की ओर अपन देखें कोई रेखा है तो पूर्व की और पश्चिम से कोई रेखा खींची जा रही है उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, ये हो गई अक्षांश रेखा, ये हो गई अक्षांश रेखा। ठीक है, अब एक और रेखा है भाई, ध्यान रखियो, एक और रेखा है और उस रेखा का नाम है करक रेखा। ना पहले वो ले लेते हैं ग्रीनविच। एक और रेखा ले लीजिए उत्तर से बिल्कुल दक्षिण आप। ठीक है, अब देखो ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या है? ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और इसे बोलते हैं ग्रीनविच। क्या बोलते हैं? ग्रीन। ठीक है भाई, अब करते हैं बाकी बातें। अब देखो इस रेखा के जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके जो इधर है वो पूर्वी गोलार्ध है। क्या है? पूर्वी गोलार्ध, और इधर जो है वो है पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध है और पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, इसके जो इधर है वो है पूर्वी गोलार्ध और इसके इधर क्या है? पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध। अब देखो एक और रेखा यहां से गुजरती है और ये है 23.5 डिग्री करक रेखा, और भारत जो है वो यूं इस रेखा पे यूं स्थित है। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, भारत कहाँ पे है? अगर आपको ये पूछता है
भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति। तो ध्यान रखिए, विश्व के संदर्भ में भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तर में है। और किधर है? पूर्व में है। तो कहाँ पे हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो ध्यान रखना, विश्व के संदर्भ में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। विश्व के संदर्भ में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये आपको एक क्वेश्चन बन गया जी। ठीक है, ध्यान रख लेंगे, विश्व के संदर्भ में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करें भारत की स्थिति एशिया के संदर्भ में। दो क्वेश्चन बनते हैं भारत का, पहला विश्व के संदर्भ में और अगला क्वेश्चन बनेगा एशिया के संदर्भ। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात हम करेंगे, अलग से टॉपिक लेंगे, उसमें इनकी बात हम कर लेंगे। ठीक है, देखो भाई, अगर हम बात करें एशिया के संदर्भ में, तो एशिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एशिया के संदर्भ में खान ये है। देखो भाई, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। क्या हो गया? एक तरीका से देखा जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। यहां से आप निकाल लीजिए यूं, और ये हो गई फारस की खाड़ी हो गई। इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए और यूं करके ये भारत हो गया। फिर आप जानते हो इधर आगे चला जाएगा और ये दक्षिण, इधर का वो आ जाएगा दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्वी एशिया आ जाएंगे, द्वीप्स आ जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो बात करें तो एशिया के बिल्कुल भारत क्या है? मध्य में है। इधर पूर्वी एशिया है और इधर पश्चिम एशिया है। ध्यान रखिए बात, साथ में एक और बात ध्यान रखिए, एशिया के भारत कहाँ पे है? बिल्कुल दक्षिण में है। तो अपन क्या कह सकते हैं? दक्षिण मध्य। अगर आपके सामने आ जाए भारत एशिया में कहाँ स्थित है, तो भारत की स्थिति एशिया में है। तो एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है? दक्षिण मध्य। ये ध्यान रखिए, एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति है दक्षिण मध्य। क्या है भाई? एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है? दक्षिण मध्य है। दो क्वेश्चन हो गए आपके। पहला क्वेश्चन हो गया कि भारत विश्व में कहाँ स्थित है, तो भारत विश्व में पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी अक्षांशों के पूर्वी देशांतर में। वहीं पूछे आपको कि एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, तो आप क्या कहेंगे? एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति है दक्षिण मध्य। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके यहां पर कंप्लीट। अब आता है सवाल, भारत का परिचय नाम के आधार पर। भारत का परिचय नाम के आधार पर, अगर आपको ये पूछ रहा है कि नाम के आधार पर प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत के क्या-क्या नाम रहे हैं, तो हम देखें, टॉपिक डाल लेते हैं हम। टॉपिक है भारत का परिचय नाम के आधार पर। पहला, नाम के आधार पर परिचय। देखो, राजस्थान की तरह भारत के भी बहुत सारे नाम रहे हैं। अगर हम सबसे पहले जाएं तो एक नाम हमें दिखाई देता है भारतीय महाद्वीप के संदर्भ में, जम्बू द्वीप। क्या दिखाई देता है? जम्बू द्वीप। और ये जम्बू द्वीप जो नाम है, इसका उल्लेख हमें प्राचीन काल के पुराणों में मिलता है। कहाँ मिलता है? पुराणों में इसका उल्लेख है और इसमें बताया गया है भारत को जम्बू द्वीप के रूप में, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए यूज किया गया था। इसके अलावा जो मुख्य नाम है, पहला जो नाम आता है वो है आर्यव्रत। क्या आता है? आर्यव्रत। आर्यव्रत आप जानते ही हो, आर्य थे, आर्य भारी थे, भारतीय थे, ये अभी चर्चा का विषय है। काफी लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए। वैदिक सभ्यता आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे मत आते हैं, कहीं मध्य एशिया बताते हैं, कोई साइबेरिया से बताते हैं, कोई कहीं से बताते हैं, वो कहाँ से बताते हैं। खैर, छोटी बातों को आप ध्यान रखिए, क्योंकि भारत में आर्य आकर रहने लग गए थे, तो आर्यों के कारण भारत को क्या कह दिया? आर्यभट्ट। ठीक है,
एक नाम तो हो गया, दूसरा है भारत का नाम जो है वो है इंडिया, जो ये इंडिया है या पहले हिंदुस्तान कर लेते हैं, दूसरा नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो नाम है एक्चुअल में एक नदी थी, आज भी है, नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? अब ये सिंधु जो नदी है, इस सिंधु नदी को जो पारसी लोग हैं, फारसी जो लोग थे, जो अरबी लोग थे, वो इसे बोलते थे हिंदू नदी। क्या बोलते थे? हिंदू नदी। अब इसको क्योंकि वो हिंदू नदी कहते थे तो यहां जो रहते थे वो हिंदुस्तानी हो गए। क्या हो गए? किनारे पर रहने कारण क्या हो गए? हिंदुस्तानी। इसी कारण भारत का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदू आदि या हिंदुस्तानी धीरे वो बनता गया। तो ध्यान रखिए, नाम के आधार पर सबसे पहले भारत का जो उल्लेख मिलता है वो जम्बू द्वीप के रूप में मिलता है। आर्यों कारण आर्यव्रत कहलाया। सिंधु नदी को फारसी जो लोग थे वो हिंदू नदी बोलते थे, अतः ये क्या हो गया? हिंदुस्तान। एक नाम और आता है इंडिया। अब वही सिंधु नदी है, और सिंधु नदी को अब जो लोग हैं कौन से? यूनानी। यूनानी जो लोग हैं, यूनानी बोलते थे इंडस नदी। यूनानी बोलते थे इंडस नदी, इसलिए इंडस नदी कहने के कारण इंडस नदी के किनारे रहने वाले क्या हो गए? इंडिया वाले हो गए। ठीक है, और एक नाम और है, वो नाम है भारत। ये जो भारत है, ये क्या है? आपने एक कहानी सुनी होगी, एक विश्वामित्र जी थे, विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र जब भी कोई तपस्या करता है तो इंद्र तकलीफ में आता है, उसे लगता है कि तपस्या करने के बाद वो लोग मेरे स्वर्ग पर क्या कर लेंगे, आधिपत्य कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। इसलिए इंद्र ने क्या किया, इनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजते हैं। मेनका ने तपस्या भंग कर दी विश्वामित्र की। तपस्या भंग होने के बाद एक पुत्री पैदा हुई, उसका नाम था शकुंतला। अब जो शकुंतला थी, शकुंतला का जो प्रेम हुआ वो हुआ दुष्यंत के साथ। शकुंतला और दुष्यंत से एक बेटा उत्पन्न हुआ, उस बेटे का नाम है भरत, और उसी भरत पर नाम पर ये पड़ा भारत। अब आप ये भी ध्यान रखिए, जो ये भरत है या शकुंतला और जो ये दुष्यंत है, इन पे आधारित ही कालिदास ने एक उपन्यास लिखा है बहुत बड़ा, उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो ये कुल भारत के नाम है। ध्यान रखिए, जम्बूद्वीप पुराणों में कहा गया, से सारा उपमहाद्वीप के लिए यूज हुआ है। आर्यों के कारण आर्यव्रत कहलाया। ठीक है, हिंदुस्तान क्योंकि सिंधु नदी को फारसी लोग हिंदू नदी बोलते थे, इसके आसपास जो रहते थे उन्हें हिंदुस्तानी हो गए अपने आप। इंडिया को यूनानी इंडस बोलते थे, और भारत आप जान ही गए। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे आप ध्यान रखें, लास्ट जो क्वेश्चन पूछेंगे, संविधान में भारत के कौन कौन से नामों का उल्लेख है? संविधान की जो प्रति है, इस संविधान में भारत के कौन कौन से नाम है? तो आप ध्यान रखिए, संविधान जो है, जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में दो नामों का उल्लेख हुआ है, एक है भारत और एक है इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 1 में दो नामों का उल्लेख हुआ है, भारत और इंडिया। ठीक है, भारत और इंडिया। तो आप ध्यान रखिए, संविधान में दो नामों का उल्लेख हुआ है, भारत और इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपके सामने अगला जो पार्ट है इसका, वो आएगा, दो चीजें आपने पढ़ ली अब तक, स्थिति से क्वेश्चन और आकृति से क्वेश्चन। अब जो है आपसे क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे आकृति से, कि भारत की आकृति कैसी है। जैसे राजस्थान में आते हैं तो त्रिकोणीय है, विषमकोणीय है, समकोणीय है, वैसे यहाँ भी आपको पूछेगा कि भारत की आकृति कैसी है। आकृति के आधार पर भारत का परिचय। देखो दोस्तों, ये मेरी पहली क्लास है ACF को लेकर, इंट्रोडक्शन क्लास है। आने वाली क्लासे होंगी राखी पे था, तो इसलिए रिकॉर्ड करके भेजनी पड़ रही है आपको, नहीं तो लाइव लेते हैं हम आपकी। लेकिन अब मजबूरी क्या है
क्योंकि मेरे पास लाइव लेने का टाइम था नहीं, तो आपके शेड्यूल के अनुसार मैंने क्लास रिकॉर्डेड क्लास आपको भेज दी है। आप इसे देखें, समझें और जितनी जल्दी हो सके आप जुड़ जाएं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, एक टीम के रूप में हम काम कर रहे हैं और टीम बहुत शानदार हमारी, और आपको 100% हम आपको सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। संकल्प है हमारा, इसलिए हमारा जो संकल्प लिया है हमने कि ACF वाला जो आपको बना के मानेंगे, तो आप तो बस मेहनत कर जाए, जुड़ जाए यहाँ पर, ठीक है। देखो साहब, आकृति की बात करें, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है भारत का। अगर आकृति की हम बात करें, भारत की आकृति से, तो भारत की आकृति कैसी है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, भारत की आकृति है चतुष्कोणी। कैसी आकृति है? चतुष्कोणी। बस राजस्थान की विषमकोणीय चतुर्भुज जैसी है, और राजस्थान कैसी है? चतुष्कोणी। अब आपसे पूछे चतुष्कोणीय आकृति क्यों है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय क्यों है, तो आप ये कह सकते हैं सिंपल से भाषा में कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और भारत का जो देशांतरीय विस्तार या अंतर है, अक्षांशीय अंतर और देशांतरीय अंतर, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर लगभग क्या है? समान है। तो आप ये कह सकते हो कि भारत की जो अक्षांशीय अंतर है और भारत का जो देशांतरीय अंतर है वो लगभग क्या है? समान है। इसलिए भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय जैसी है। कह सकते हो बात? आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की आकृति कैसी है, तो आप बताइए चतुष्कोणीय है। क्यों है? क्योंकि भारत का अक्षांश अंतर और भारत का देशांतर अंतर लगभग क्या है? समान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके 3 पार्ट हो गए जी। कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं अपन, यहां से आपके क्वेश्चन बनना शुरू होंगे, जहां से अपन पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो आप यहां पे आ जाइए और अपन यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। ये सामान्य 3 बातें थी जो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए था, ठीक है, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं अपन। और अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पे, ये देखिए, पहला जो आपका पार्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय, अगर टॉपिक हेडिंग डालें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये आज का टॉपिक है इसमें। अब देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आप गौर से देखिएगा, यहां जो है, अगर हम यहां लें तो ये है, पहले इधर से कर लेते हैं, ये जो जगह है बिल्कुल लास्ट में, ये है 8°4 और ये है 37°6, ठीक है। लेकिन एक और है, वो है 6°4-5 यहां, ठीक है। अगर आपसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देखो यहां पे अपन लिखना शुरू करते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो आप कह सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, अगर सिंपल भाषा में कहें तो 8°4 से 37°6 उत्तरी अक्षांश है। क्या है? उत्तरी अक्षांश। मैंने कहा था आपको कि भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे है भारत? उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत का अक्षांश अंतर विस्तार किसमें होगा? उत्तरी गोलार्ध में। ध्यान रखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है, यहां से देखें तो 8°4 से 37°6 है। क्या है? 8°4 से 37°6। अगर हम दूसरी बात करें, ये तो क्या है? मुख्य भूमि से था। किससे था? एक बात ध्यान रखना, भारत की मुख्य भूमि का था ये। तो अगर आपको पूछे, अगर आपको पूछता है सुदूर दक्षिणी बिंदु से, क्या पूछे?
यहां से अगर पूछे भारत के दक्षिणतम बिंदु से भारत का अक्षांश विस्तार, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिणतम बिंदु से, दक्षिणतम बिंदु से भारत का विस्तार पूछे अक्षांश से, तब आप क्या कहेंगे? 6 डिग्री 4 या 6 मिनट 4 से, वही 37 मिनट 6 उत्तरी अक्षांश, यही तो कहोगे आप। अब यहां से आपके 3 क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं साहब। कितने क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं? 3। पहला क्वेश्चन आपका, चलो 4 कर देते हैं क्वेश्चनों को, आप बताइए कि भारत का जो अक्षांशीय अंतर कितना है, भारत का अक्षांशीय अंतर। भारत का अक्षांशीय अंतर, देखो अंतर का मतलब यह है कि भारत का विस्तार कितने अक्षांशों में है, जो अंतर है उन्हीं में तो भारत स्थित है। तो आप क्या करेंगे, यहां से ये जो है 37 मिनट 6 से क्या निकाल देंगे, 8 मिनट 4 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, भारत का अक्षांश अंतर आ जाएगा, यही तो आया। तो ये क्या है, भारत का अक्षांश अंतर। देखो ध्यान रखना, राजस्थान का जब पूछे तो राजस्थान का अक्षांश अंतर है 7 डिग्री या 7 मिनट 9 सेकेंड का, भारत का कितना है 29.29 डिग्री 2 सेकेंड। अब देखिए यहां पर आपको एक और सवाल आता है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो आप ध्यान रखिए, भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो आप ध्यान रखिए, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। अगर आपको ये पूछता है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कोल है भाई, ठीक है। अब आपको पूछे भारत का दक्षिणी बिंदु, दो जगह है दक्षिणी बिंदु, एक तो मुख्य भूमि का होगा आपका, और मुख्य भूमि का जो होगा वो होगा या तो होगा कैप कैमोरिन, आएगा आपके कैप कैमोरिन, या आएगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। भारत का मुख्य भूमि का, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु या तो कन्याकुमारी होगा या क्या होगा, कैप कैमोरिन। अरे दोनों ही कहां पड़ते हैं, तमिलनाडु में। कहां पड़ रहे हैं, तमिलनाडु, केरल में नहीं है, ध्यान रखना। कहां पे है, तमिलनाडु, ठीक है। अगर आपको पूछता है कि सुदूर भारत का दक्षिणतम बिंदु, नॉर्मली जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये आता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम पूछ रहा है, दक्षिण नहीं, दक्षिणतम बिंदु जब पूछे तो आपको देना है इंदिरा पॉइंट। क्या देना है, इंदिरा पॉइंट। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगर आपको पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने अक्षांशों पर स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 4 अक्षांशों में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, अगर ये पूछ रहा है मुख्य भूमि का, तब आप करना है कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी। अगर आपको पूछ रहा है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपको ध्यान देना है भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। अब एक और क्वेश्चन आपको आ जाता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। ये भारत की उत्तर से दक्षिण, अब देख लो कुल मिला के दोबारा कह रहा हूं, भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है, भारत का
दक्षिणतम बिंदु से अक्षांशीय जो विस्तार है वो 6°4' से 37°6' है। भारत का जो अक्षांश अंतर है 29°2' है। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन है। चलो ये आपका मैटर क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। देखो इनका नोट्स बना लेना, शानदार नोट्स बनेंगे। वैसे आप PDF भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप अगर जुड़ते हो अनअकैडमी से, अनअकैडमी आपको PDF प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी पहली, और ये रिकॉर्डेड क्लास है क्योंकि राखी की वजह से ये लाइव नहीं हो पाई, तो रिकॉर्ड करके भेजना पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम आपसे। लेकिन जो आगे क्लासें होंगी सारी लाइव होंगी, 4 तारीख से या 5 जब भी होंगी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, अधिकतम मात्रा में जुड़ जाइए। और आपके पास टाइम इतना है नहीं, और ये शानदार एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी नौकरी है, इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये आपका एनवायरनमेंट से जोड़ रखी है आपको, इसमें बहुत एडवेंचर है, इसलिए आप अधिकतम मात्रा में जुड़ जाइए और इसका आनंद उठाइए। आपको सिर्फ 45 दिन हमको देने हैं और अकॉर्डिंग हमारे चलना है, ठीक है। अब देखो एक और रेखा आती है, उसका नाम है कर्क रेखा, जो अपन ने स्टार्ट में बात की थी। कौन सी रेखा? एक रेखा है भाई, वो है कर्क रेखा। अपन यूं करें तो इसको यूं ले लो, आप थोड़ा मोटा कर दिया मैंने इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझाने के हिसाब से मोटी रहने दो इसको, ठीक है। कहाँ जा रही है? चलो एक और रेखा है, उसका नाम है कर्क रेखा, और आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये कर्क जो रेखा है ये बिल्कुल भारत के मध्य से गुजरती है, कहां से गुजरती है? बिल्कुल भारत के मध्य से गुजर रही है। देखो भाई ध्यान रखना, ये जो रेखा है ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। फर्स्ट बात तो ये ध्यान रखो, क्या क्या पूछेंगे आपसे इससे, उन सारे सवालों पे अपन चर्चा कर लेते हैं। 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है, और इन 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ये बिल्कुल भारत के मध्य से गुजरी। अब आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा का क्या प्रभाव पड़ता है भारत पर। तो एक तो बात ध्यान रखना, कर्क रेखा भारत में दो जलवायु कटिबंधों का निर्माण कर रही है। उत्तर भारत में जो जलवायु पाई जाएगी वो पाई जाती है शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। ये बात ध्यान रखिए कि कर्क रेखा भारत में दो जलवायु कटिबंधों का निर्माण कर रही है, उष्ण जलवायु। अगर आपको पूछे कर्क रेखा का भारत में क्या महत्व है, तो कर्क रेखा भारत में दो जलवायु कटिबंधों का निर्माण करती है, और वो है उत्तरी भारत में शीतोष्ण जलवायु और दक्षिण भारत में उष्ण। यानी कर्क रेखा के जो दक्षिण में है, यानी कर्क रेखा के अंडर में जो आता है, उसमें कभी सर्दी नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात यह। अब अगला आता है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्क रेखा भारत के किचन, देखिए ये जो राज्य आप जानते हो कौन सा राज्य है, गुजरात। यहाँ पे जो राज्य है उसकी तो अपन बात ही कर रहे हैं, ये कौन सा है, राजस्थान। ये कौन सा है, MP। ये कौन सा है, छत्तीसगढ़। ये कौन सा है, झारखंड। कौन सा है, झारखंड। ये कौन सा है, वेस्ट बंगाल। ये कौन सा है, त्रिपुरा। और ये कौन सा है, मिजोरम। कौन सा है, मिजोरम। तो पहली बात आपको ध्यान देनी है कि कुछ मैप्स लाने हैं आपको। मैप्स से क्या है, राजस्थान या भारत की ज्योग्राफी की शानदार तैयारी होती है। तो पहला सवाल है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है। एक और सवाल देते हैं कर्क रेखा की लंबाई। तो लंबाई ऐसे कुछ दे नहीं रखी, लेकिन समथिंग समथिंग में जाते हैं, तो वो आपको मिलती है 2500 किलोमीटर को
ऑथेंटिक स्रोत इसका है नहीं हमारे पास, ठीक है। दूसरा सवाल है कितने राज्यों से गुजरती है, ध्यान रखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और 8 राज्यों के नाम आप ध्यान रखना, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई, दिख ही रही है सबसे ज्यादा लंबाई आपको दिख जाएगी यहाँ पे, देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या है, एमपी। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, सर्वाधिक लंबाई अगर आपसे पूछे कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पे है, तो आप ध्यान रखिए कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई अगर आपसे पूछता है, न्यूनतम लंबाई, तो आप ध्यान रखिए कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई है त्रिपुरा में, कहाँ पे है भाई, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई है त्रिपुरा में। सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में और न्यूनतम कहाँ पे है, त्रिपुरा में, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें अब राजस्थान में कितनी कर्क रेखा लंबाई, तो ध्यान रखना राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो है 26 किलोमीटर, कितनी है 26, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर, ठीक है। अब आता है कर्क रेखा पे कौन सा शहर स्थित है, ये भी ध्यान रखिए आप, भारत का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है, तो आप जानते हो जहां पर महाकाल का मंदिर है वो कहां पर है, उज्जैन, वो कर्क रेखा पे स्थित है, उज्जैन कर्क रेखा पे स्थित है। पहली सवाल कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है, मंदिर किसका है, महाकाल का, शिव जी का बहुत शानदार मंदिर है, यहाँ पे शानदार पूजा होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये शिप्रा नदी के किनारे है, कौन सी नदी आती है यहाँ पे, शिप्रा नदी, और दुर्गादास राठौड़ जो है उसकी छतरी यही है, तो काफी सवाल हो गए आपके। पहला सवाल कि कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर स्थित है, तो आप कहेंगे उज्जैन, उज्जैन जो शहर है वो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, यहाँ क्या है, यहाँ महाकाल का मंदिर है, उसी की वजह से जाना जाता है। किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना शिप्रा नदी के किनारे है, किसकी छतरी यहाँ पे, दुर्गादास राठौड़ की। अगर आपको ये पूछता है कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित राजधानी शहर, इन 8 राज्यों में से किस राज्य की राजधानी सबसे ज्यादा नजदीक है, तो ध्यान रखिए 8 राज्यों में सर्वाधिक नजदीक जो राजधानी पड़ती है वो है रांची। रांची किसकी राजधानी है बताइए, रांची किसकी राजधानी है, झारखंड की, ये झारखंड है, इसकी राजधानी रांची बिल्कुल कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक पड़ती है। अगर आपको पूछे दूर राजधानी, तो आप बता देंगे जयपुर। सर्वाधिक नजदीक राजधानी कौन सी है, रांची, तो दूर आ जाए तो दूर में क्या कर दोगे आप, जयपुर। तो सवाल है कर्क रेखा के सर्वाधिक स्थित नजदीक राजधानी शहर, तो वो राजधानी शहर है रांची, और दूर स्थित शहर कौन सा है, जयपुर। हर बार जो कर्क रेखा सवाल आता है वो यही आता है, नजदीक भोपाल, रायपुर, गांधीनगर, अगरतला, आइजोल, कोलकाता, इन सबसे पूछता रहता है, ऑप्शन दे देके कि सबसे ज्यादा नजदीक कौन है, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या होता है, आप एक बात जानते हो ज्योग्राफी में कि सूरज जो होता है साल भर कर्क और मकर रेखाओं के मध्य ही चलता रहता है, तो यहां पर सवाल यह है कि कर्क रेखा पे सूर्य कब आता है, तो आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा पे सूर्य 21 जून को आता है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, ये ध्यान रखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, इसके कारण 21 जून को उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें दिन सबसे बड़ा जाता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को, और 21 जून को जो भारत में दिन की अवधि होती है वो 13 घंटे 27 मिनट होती है, ध्यान रखना 21 जून को भारत में दिन की अवधि कितनी होती है, 13 घंटे और 27 मिनट, ठीक है दोस्तों।
इसी कारण क्योंकि दिन लंबा था, मोदी जी ने क्या किया, योग दिवस घोषित कर दिया। क्योंकि भाई जो बाकी जो 1.5 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, उस 1.5 घंटे का आप किस में इस्तेमाल करें, योग करने में। आगे देखते हैं, आप उतारिए फटाफट को, लिख लीजिए एक बार। आर्थिक समीक्षा, समीक्षा देखो दोस्तों, ये हो गया अब क्या आपका राजस्थान के अक्षांशीय जो मैटर है वो क्लियर हो गया। अब आते हैं राजस्थान के देशांतरीय मैटर पर। तो बताइए राजस्थान का जो देशांतरीय मैटर है उसके बारे में बताइए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, बताइए दोस्तों, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, मैसेज कीजिए फटाफट। कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट हो। अक्षांश क्या होता है, देशांतर, वैसे पहले बताता हूँ, अक्षांश और देशांतर की स्पेशल क्लास लेके आऊँगा 5 या 6 तारीख को, जो वापस आ जाएंगे लाइव, तो तब तक डाउट को संभालना, एक दो दिन एडजस्टमेंट करना। देखो भाई अगर बात करें राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, तो देखो राजस्थान, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, सॉरी भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 68 मिनट 7 सेकंड्स, ठीक है, और ये हो गया।